हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स एंड ऑनर्स स्टेशन। मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम मनोज। और आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है ग्वादर रैली। ग्वादर से रिलेटेड वीडियो है। इंस्टा पे आया था ना? इंस्टा पे आया। तो ये वीडियो है तो देखते हैं। ग्वादर पे हमने एक दो वीडियो किए हैं पर वो पर्टिकुलर ग्वादर के बारे में थे नहीं, उसका कोई व्लॉगिंग नहीं था, तो शायद उससे रिलेटेड वीडियो है ये। जतिन ने दिया है हमको, तो होप्स हो कि ये कुछ डिफरेंट हो दूसरे वीडियो से, तो देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो भी आने वाला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो देखें। तो ग्वादर देखने का मन कर ही रहा है तो देख ही लेते हैं। नहीं, लेने की बच्चा है ना वहाँ का यार। टेलीनॉर के सिग्नल ही नहीं आ रहे भाई। ये ई आ रहा है, ई का क्या करूँ मैं। टेलीनॉर सारा काम इंटरनेट पे होता है इधर, मतलब ग्वादर, आई मीन ग्वादर। ग्वादर है ना, ग्वादर नहीं है, ग्वादर है। 30/10/2017 का वीडियो, पुराना, 4 साल पुराना वीडियो। ग्वादर मैं आया था ग्वादर कल जहाज में पी आई। ओके हाँ भैया, हम जा रहे हैं ग्वादर पहली दफ़ा, और 7 साल में पहली दफ़ा पीआईए में बैठ रहे हैं। टेक ऑफ के वक्त मुझे वीडियो बनानी थी, लेकिन मेरे बराबर में अंकल बैठे थे, वो कह रहे हैं कि जहाज़ में वीडियो बनाना अलाउड नहीं। मैंने बोला अंकल मैंने 1000 दफ़ा बनाई है, कुछ नहीं होता। उन्होंने बोला नहीं बेटा, इट्स नॉट अलाउड। आपने सुना होगा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। आ गए भैया हम ग्वादर, अल्हम्दुलिल्लाह। और ग्वादर पहुंचते ही मुझे पता चला कि भैया ग्वादर इज आल्सो नॉट कमिंग स्लो। यहाँ पे एक फुटबॉल स्टेडियम है, वहाँ एक गाड़ियों की एग्जीबिशन थी और वहीं गेस्ट को वेलकम कर रहे थे जो भी रैली में आ रहे हैं। तो वहाँ के सीन तो कुछ क्रेजी। हाँ भैया, हम आए थे इधर ग्वादर रैली और यहाँ पे सीन्स कुछ ऐसे। जगह मुझे मिले मेरे दोस्त सलमान पटाखा, वो अपनी बाइक पे आए थे। बाइक कैसे छोड़ सकता हूँ। हम लोग ग्वादर बीच पे आए हैं, सनसेट होने वाला है और घोड़ा भी साथ लाए। अली भाई के पास एक घोड़ा है, तो ग्वादर एंड घोड़ा एंड सनसेट, उफ क्या कॉम्बिनेशन। मेन रैली इवेंट जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। नाश्ता कर लें, ये चाय नहीं है, मैं चाय नहीं पीता। ये है दूध बादाम पिस्ते का कुछ सीन है इधर। नाश्ता करें, मैं चाय लग रही है। ये इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स चाहिए, जो कि इन कार्रवाइयों में, इन एक्टिविटीज़ में, इसके इंतज़ाम में हिस्सा लेंगे। वी हेयर ग्वादर ऑफ रोड रैली। काफ़ी मशहूर नाम सुन रहा हूँ मैं, तला रईस, नादिर मक्सी, रोनी पटेल, खबरों में सुनता था सिर्फ। अभी पहली गाड़ी फिनिश लाइन को क्रॉस किया उन्होंने, नादिर मक्सी ऑफ कोर्स, और बाकी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं 5-5 मिनट के इंटरवल से, उनका टाइम नोट हो रहा है। जी मरे ने बोला, जी मरे लिए। அடியா பீரிங்கா அமாஷா பாரியன்றோ புனி புலசியே மைதில் சுலசி ஐக்க
कबोख पीर दुपासी ए केप करियो नु जिरु माफी शेनलो लाड़े मती भंडी शेर सपार जिरु माफी शेनलो लाड़े जिरु माफी शेनलो लाड़े मती भंडी शेर सपार मती भंडी शेर सपार बोली फुल करे मंगुली पुल करे पुल गिर करे से टेंस कुछ ऐसे ओ पुल गिर करे से फेस करे इम्पोर्टेंट वर्ड लगती है अरे शायर पारे नो जैरी तमान उन साल नाम वो सुम पूरा साना कान चिक गोरी छट पाव जोरे ने अतम लग गया हंति पाव तोरे ने अलग गया पट पाव जोरे ने होली हुल करे मंगुली हुल करे बुल्ले गिर करे सेठे शिर करे जिरो माखी शेन लुलाड़े मती भुंडी शेर सपार है जिरो माखी शेन लुलाड़े मती भुंडी शेर सपार है बोली हुल करे मंगुली फुल करे फुले गिर करे सेठे शिर करे जिरो माखी शेन लुलाड़े मती भुंडी शेर सपार है बोली हुल करे मंगुली फुल करे फुले गिर करे सेठे शिर करे बोली हुल करे मंगुली फुल करे फुले गिर करे। रैली खत्म हो चुकी है और जो विनर हैं उनसे मैं वहाँ नहीं मिल सका था, इसलिए मैं पीसी गवादर आया हूँ सुल्तान मोहम्मद से मिलने, वो जीते हैं रैली। रैली ख़त्म हो चुकी है, मैं आया हूँ पीसी गवादर में। रैली के रिजल्ट्स, नंबर वन आए हैं साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद, नंबर टू पे आए हैं नादिर मक्सी और नंबर थ्री पे आए हैं रोनी पटेल। सेलिब्रिटीज़ भी आना शुरू हो गए हैं, अली ज़फ़र आ गए हैं, आतिफ आ रहे हैं। रैली की क्लोजिंग सेरेमनी रात को है, तो तब तक क्यों ना गवादर वाटर ब्रेक देख लिया जाए। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे भी है, क्लोजिंग सेरेमनी भी है, ऐसे ही थोड़ी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये ऐसी रैलियां होती रहेंगी। आखिर में चीफ फॉर मिनिस्टर पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पॉइंट ऑफ। गवादर की हिस्ट्री में सबसे पहला मेजर कॉन्सर्ट अख्तर चनाल, अली ज़फ़र, आतिफ असलम। कॉन्सर्ट अभी तक चल रहा है लेकिन मेरा काम पूरा हो गया है, मेरे और भी प्लान्स हैं। अली भाई ने कोई सज्जी वज्जी के गेम्स किए हैं, खाना भी तो खाना है यार।
हाँ तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, और वाकई में वीडियो देख के काफ़ी है ना, काफ़ी अच्छा लगा ना, खो गए हम तो, ऐसा लगे नहीं, और 9 मिनट का वीडियो निकल गया, पता नहीं चला। वाकई में मतलब ग्वादर पोर्ट देखा था तो एक माइंड में था कि यार नहीं यार वहाँ पर काफ़ी सारी आर्मी होगी या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज होगी जो मतलब ग्वादर पोर्ट को देखती होगी, माइंड में कुछ अलग था। पर यहाँ तो बिल्कुल यार कंसर्ट हो रहे हैं और पब्लिक है, इतना इंजॉय कर रही है और इतना बीचेज हैं और पब्लिक कम है। मेरा मन हमेशा यही करता है कि जहाँ कोई भी जो प्लेस हो वो खूबसूरत हो, फ़ोन गिर गया, खूबसूरत हो और पब्लिक कम हो, सुकून मिलता है ना वहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसी जगह मिलती नहीं है कहीं भी, कोई भी अच्छा स्पॉट हो वहाँ पे इतनी गैदरिंग, इतनी पब्लिक होती है कि क्या बताया, मतलब वो उस चीज़ उस जगह का जो मज़ा होता है ना, जो वो कहते हैं ना मतलब बिल्कुल पीस होता है, वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। इतना शोरगुल हो जाता है कि उस जगह का जो वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है। हर इंसान वहाँ पे पीस के लिए आता है, एकदम साइलेंस के लिए आता है, और वो साइलेंस होता ही नहीं है वहाँ पे। पर ये जो जगह देखी हमने वाकई में, अगर हम हो वहाँ पे तो बैठे रहें और 3-4 घंटे तक बैठ के आराम से स्नैक्स और चाय वाय का मजा ले और आराम से म्यूज़िक चले हल्का हल्का, और वाकई में मज़ा, मतलब वाकई में ये सारी चीज़ें आपके पास है। एज ए इंडियन मैं आपको बोलूं कि हमारे यहाँ पे पब्लिक इतनी ज़्यादा है हर जगह पे कि हम उस चीज़ का मज़ा नहीं ले पाते। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, है इंडिया में भी काफ़ी जगह ऐसी है, पर कुछ जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे नॉर्मली लोग अटैच नहीं होते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज डिफरेंसेस आते हैं इंडिया में उतने शायद पाकिस्तान में नहीं आते होंगे। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में नॉर्दर्न से लेके आप ग्वादर तक जाएँ, वहाँ पे आपको उर्दू स्पीकिंग जो हिंदी और उर्दू मतलब एक जैसी लगती है, हम हिंदी बोल रहे हैं और आप उर्दू आप उसको समझ जाते हैं, तो जैसे उर्दू होती है तो हम समझ जाते हैं क्यों, तो वो सारी चीज़ें आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से मैं जिस जगह बैठा हूँ यहाँ पे हम नॉर्मली हिंदी सब समझते हैं, और कहीं भी जाओ आप पब्लिकली कहीं जाओ साइन बोर्ड कहीं भी शॉप्स हिंदी आपको देखने को मिल जाएगी, पर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाएंगे गुजरात में आपको सब गुजराती देखने को मिलेगी, समझ में नहीं आएगा। वहाँ से आगे जाएगी मराठी, वहाँ से आगे जाएगी तमिल तेलुगु, वो तो आउट ऑफ कोर्स है। मराठी तक तो ठीक है, मराठी भी समझ में नहीं आएगी, गुजराती ठीक है क्योंकि हम उस बेल्ट से हैं थोड़ा बहुत, पर साउथ में तो बिल्कुल ही आउट ऑफ। तो वहाँ अगर घूमने जाएंगे तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि आप बात कैसे करें आपस में, या तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो साउथ में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, पर ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। तो होप सो कि वहाँ के जो लोग हैं घूमने जाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती होगी। आप इंडिया में कभी आइएगा आपको हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी कि आप वहाँ हो आपको ऐसे लगता नहीं है, पर यहाँ आओगे तो आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी। और ये चीज़ें होती है क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी जगह है घूमने की, पर ये जो लैंग्वेज डिफरेंसेस होते होने की वजह से हर इंसान अपनी जगह पे ब्लॉक हो जाता है। घूमने जाता है वो ठीक है जिसके पास पैसे हैं कुछ है, पर क्योंकि लोग लैंग्वेज से अटैच होते हैं ना। मैं कहीं जाऊँगा, मैं मान लो केरल गया कहीं गया तो वहाँ पर मैं मतलब उम्मीद करूँगा कि वहाँ के लोग अटैच हो, पर वो बोलेंगे ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं उस जगह पर जाना पसंद नहीं करूँगा। तो ऐसी प्रॉब्लम है यहाँ पर, पर ये एक खूबसूरती भी है। चलो सब ने अपनी अपनी कल्चर को बचा के रखा है। फ़ोन आया मनु का, हाँ तो ग्वादर है मनु, उसे पूछ लेता हूँ कैसा लगा। मेरे को तो बहुत मस्त लगा है, कॉन्सर्ट हुआ है ना, कॉन्सर्ट काफ़ी अच्छा लगा। आतिफ अली जफ़र है और काफ़ी सारे लोग हैं, आर्मी से भी काफ़ी सारे लोग आए हैं वहाँ पे। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये ऐसी चीज़ होती है वहाँ पे ना, कि बिल्कुल कार रैली हो रही है, कारें चल रही है वहाँ पे और इस तरह से विनर्स आ रहे हैं। ऐसी चीज़ें मैंने स्पोर्ट्स जो चैनल है वहीं देखी है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताना कौन कौन वहाँ पे गए हैं, और भी कोई चीज़ हो स्पेशल वो आप बताना। बाकी और क्या बोलूँ मैं यार, जो आपने वीडियो भेजा है थैंक्स वीडियो के लिए। और भी ऐसे अच्छे वीडियोज़ हों आप हमारे इंस्टा आई डी पर हमें सेंड कर सकते हैं, और हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है, हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, हमारे बगल में ऐसी चीज़ें हो रही है, हम आ जा नहीं सकते हैं पर उसको महसूस तो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स और भी ऐसे वीडियोस हो मेरी ये आईडी या मनु की आईडी पे आप भेज सकते हैं, और बाकी हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ कुछ नहीं, हमारा रिलेशन है ना वो खाली एक सब्सक्राइब बटन पर ही है, तो वो दबा दीजिए, फ्री है तो हम जुड़ जाएंगे और बात होती है। और इंस्टा पर आप हमसे बात कर सकते हैं, जब चाहे आप मैसेज करें, जब चाहे आप कॉल करें, वी आर अवेलेबल।
मैं अगर बिजी हूँ तो मनु अवेलेबल है, आप बात कर सकते हैं, हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, बात करनी भी चाहिए। चलो ठीक है, हम ये तो जुड़ने का जरिया हो गया, हम वहाँ की चीज़ें कल्चर को देख रहे हैं, पर अब बात भी कर सकते हैं तो इसमें कुछ नहीं, एक अटैचमेंट होता है और जो गिले शिकवे हैं वो दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अच्छा वीडियो के साथ और अच्छे मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।